नकल कराने वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि इस मामले में अब राजस्थान सरकार इस बार नकल कराने वालों को बख्शने के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रही है। और अब गहलोत सरकार भी यूपी की योगी सरकार की तरह ही मुख्य आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले लिया है। गहलोत सरकार ने सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका के अवैध कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। पेपर लीक मामले को लेकर आने वाले चार मास्टरमाइंड सामने आए हैं और दो को इनमें से पकड़ा जा चुका है, जबकि दो अभी भी फरार हैं। इनमें दो तो रिश्ते में जीजा साले लगते हैं और एक पेशे से डॉक्टर है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मास्टरमाइंड जोधपुर निवासी सुरेश बिश्नोई और उसके जीजा सुरेश ढाका समेत पीराराम साहू और भूपेंद्र सारण शामिल हैं। पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेश ढाका के अलावा भूपेंद्र सारण भी फरार चल रहा है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा लीक मामले में पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच आगे बढ़ा रही है और इस मामले में अनुसंधान अधिकारी एएसपी महेंद्र पारीक हैं, जो पहले भी बड़े मामलों की जांच कर चुके हैं। हालांकि अभी इस मामले में पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं उसका साला सुरेश बिश्नोई तो पहले ही पुलिस की पकड़ में आ चुका है, लेकिन जीजा ढाका अभी भी फरार है। दरअसल पिछले महीने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का जनरल नॉलेज का पेपर लीक होने के बाद से अब तक पुलिस 60 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर चुकी है और इसी बीच ऐसे में ढाका के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उसके अधिगम कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई है। जेडीए इन्फोर्समेंट टीम सोमवार को सुबह 7:30 बजे से जयपुर के जोन 5 एरिया में गुर्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास मुख्य रोड पर पहुंच गई, जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस के मुख्य आरोपियों की ओर से चलाए जा रहे अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग पर बुलडोजर का पीला पंजा चलाया गया। आपको बता दें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिगम शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपियों की ओर से चलाए जाने की जानकारी मिलने पर 6 जनवरी को सुबह एनफोर्समेंट के चीफ कंट्रोलर और एडिशनल कमिश्नर PRN के नेतृत्व में JDA दस्ते जोन की रेवेन्यू और टेक्निकल टीमों ने मौका निरीक्षण और परीक्षण किया और संबंधित बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल और भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी सहित चार कोचिंग संचालकों को JDA की धारा 32 और 72 के तहत नोटिस जारी किए थे। अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को हटाने अपना जवाब पेश करने के लिए 8 जनवरी को शाम 5 बजे तक का उन्हें समय दिया गया था। खास बात यह है कि शुक्रवार को नोटिस दिया गया था और रविवार तक जवाब देने का समय दिया गया। रविवार की सुबह फिर से लीगल नोटिस देने को लेकर बिल्डिंग से अपना अपना सामान खाली करके अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को हटाने के लिए फिर से पाबंद भी किया गया। नोटिसों का जवाब तय टाइम पर न देने की वजह से लीगल प्रोसेस अपना कर और अपना ऑथराइज स्तर पर परमिशन लेकर अवैध कमर्शियल बिल्डिंग को ध्वस्त करा दिया गया। एक पोकलेन मशीन, 3 JCB मशीन, 12 लोखंडा मशीन, 3 ड्रिल, 2 कटर और मजदूरों की सहायता से बिल्डिंग गिराने की कार्रवाई की गई। मौके पर GDA के चीफ कंट्रोलर एनफोर्समेंट, सभी सब कंट्रोलर्स, जोन 5 के डिप्टी कमिश्नर, सभी एनफोर्समेंट ऑफिसर और पूरी टीम, इंजीनियरिंग टीम, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से मानसरोवर ACP और थानाधिकारी, 50 पुलिस कर्मी वहां मौके पर मौजूद थे और शांति व्यवस्था बनाए रखे थे। इस बिल्डिंग में रेसिडेंशियल जमीन पर 0 सेटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन करके बड़े रूप में बने अवैध कमर्शियल निर्माण, रोड सीमा पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण पर नियम के मुताबिक लीगल प्रोसेस पूरा करके और ऑथराइज लेवल पर परमिशन लेकर टेक्निकल टीम की निशानदेही पर एनफोर्समेंट टीम ने JCB, पोकलेन मशीनों और लोखंडा और ड्रिल मशीनों से अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को गिरा दिया। बड़ी तादाद में मजदूरों की सहायता भी ली गई। इसमें पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका जयपुर में कोचिंग संस्थान का संचालक है। उसकी पहुंच सूबे की सरकार के मंत्रियों तक है। मूल रूप से सांचौर के गाँव अचलपुर का रहने वाला सुरेश ढाका जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर कोचिंग चलाता था और सुरेश ढाका पहले मनी लॉन्ड्रिंग और पेपर लीक मामले में जेल भी जा चुका था और एक बार फिर सीनियर टीचर परीक्षा के पेपर लीक में वो मास्टरमाइंड है, जो अब 29 जनवरी को कराई गई थी। ये परीक्षा 29 जनवरी को कराई गई थी। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती
परीक्षा लीक मामले में पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और इस पेपर लीक का मामले में मास्टरमाइंड जो है वो सुरेश ढाका अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं उसका साला सुरेश बिश्नोई है जो पहले भी पुलिस की पकड़ में आ चुका है, लेकिन जीजा ढाका फरार चल रहा है। आरोपी ढाका की सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखा जाए तो सामने आया है कि इसके कई राजनीतिक संबंध हैं और यही नहीं लग्जरी लाइफ की भी कई सारी फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते आए हैं। इसका नाम इससे पहले भी पेपर लीक प्रकरण में आ चुका है और जयपुर में ये कोचिंग चलाता था। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को राजस्थान में पेपर लीक हुआ था और उसके बाद से अब तक भूपेंद्र और सुरेश की तलाश लगातार जारी है, लेकिन वो दोनों ही गायब हैं। चर्चा ये भी है कि दोनों नेपाल भाग गए हैं। सुरेश जयपुर के पौश इलाके में पहले उमंग नाम से कोचिंग चलाता था, लेकिन कोचिंग का नाम कई बार नकल संबंधित खबरों में भी आने लगा था और उसने कोचिंग का नाम बदलकर अधिगम कर दिया था। पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका बड़ा राजनीतिक रसूख भी रखता है। इसके केवल राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के कई नेताओं के साथ पार्टी मनाते हुए कई सारे फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाकर बेरोजगार युवाओं को अपने चंगुल में फंसाता था। शेयर किए गए फोटो से पता चला है कि सुरेश ढाका की तगड़ी राजनीतिक पहुंच थी। वो कई नेता और मंत्रियों का करीबी भी रहा है। उसने मंत्रियों के साथ डिनर करते हुए फोटो भी अपलोड किए हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लू टिक से वेरीफाइड भी हैं। मास्टरमाइंड सुरेश ढाका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है। वो अपनी लग्जरी लाइफ के फोटोज आए दिन खींचकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालता रहता है। वो कभी खुद को पॉलिटिशियन बताता है तो कभी मोटिवेशनल स्पीकर। सोशल मीडिया पर किए गए उसके कुछ पोस्ट हम आपको इसी में दिखाएंगे। आरोपी ढाका की सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखा जाए तो वो सामने आया है कि कई वो राजनीतिक संबंध रखता था। यही नहीं लग्जरी लाइफ की तो भरमार उसकी फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सुरेश ढाका कभी खुद को पॉलिटिशियन बताता है तो कभी मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने मुख्य आरोपी ढाका के वैध कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलवा दिया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।